आज उसके घर मेहमान आया और ये साहब अभी तक सो रहे हैं। कोई परवाह ही नहीं है आपकी तरफ। जुल्कनैन यार, जुल्कनैन यार उठो यार, नमाज पढ़नी है, शॉपिंग करने जाना है। कम से कम तुम्हारे घर आई हूँ यार, मेहमान नवाजी तो करो मेरी। करता हूँ यार, इधर देखो मेरी तरफ, से हेलो एवरीवन। यार हेलो तो कहो ना, हेलो कहो, से हेलो एवरीवन, हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। आज मैंने एक लड़के को रंगे हाथों सोते हुए पकड़ लिया। यार तुम्हारा नाक बहुत अच्छा आ रहा है जुल्कनैन। जुल्कनैन इधर इधर, अच्छा ठीक है, हेलो करो फिर मैं बंद कर रही हूँ। हेलो करो, मैं बंद कर रही हूँ फिर। हेलो, वेलकम टू आवर चैनल। ओके जी, तो नमाज मैंने पढ़ लिया और एक बंदी ने मेरी नींद बिल्कुल ख़राब कर दिया। और दूसरी बात यह है कि आज कमल चूँकि मेरे घर पे आई हुई है और एक काम था उसके रिलेटेड, हम लोग फिर सुबह सहरी टाइम में वापस आए हैं। सहरी के टाइम आके सहरी किया है, रोता रखा है और सो गए और अभी उठे हैं। और फिलहाल सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि प्लान ये है कि ईद होती है ना, रिवाज होता है कि लड़के वाले लड़की की तरफ ईद लेके जाते हैं, लड़की वाले लड़के की तरफ ईद लेके आते हैं। तो आजकल थोड़ा मॉडर्न रिवाज है, आजकल दुल्हन दूल्हा अपनी ईद खुद सेलेक्ट करते हैं और फिर वो उनके घर वाले लेके जाते हैं कि मैं ये पहनूंगा वो ये पहनेगी। कुछ इसी तरह का हमारे यहाँ भी है सिस्टम। और आज कमल को भी मेरी तरफ से, जो मतलब हमारी तरफ से जो ईद जाएगी वो हम लोग खरीदते जाएंगे। और दूसरे ये बंदी पीछे बैठी पता नहीं क्या कर रही है, क्या कर रही हो कमल तुम? ऑयल लगा रही हो यार, मेरे भी लगा दो ऑयल थोड़ा, मेरे पास तो बिल्कुल ही रफ रफ हो गए हैं। हाँ कर दो प्लीज प्लीज प्लीज। मैं अच्छा पता है, मैं पहले बहुत ज्यादा ऑयलिंग करता था। हाँ सुनिए, मैं हाँ मतलब मम्मी लोगों की तरफ से ही, लेकिन सेलेक्ट तो तुम करोगी ना कि मैंने ये लेना है, मैंने वो लेना है। मैं समझ गया, मैं सारे तुम्हारे पॉइंट समझ जाता हूँ। और खैर फिलहाल फिल वक्त तो तुम मुझे ऑयल लगा दो, उसके बाद अपना सीन बनाते हैं। और दूसरा हमारे साथ एक और बंदा भी है, हिज नेम इज मूसा पंच। ओके खैर ऑयल लगा। तो ज़ुल्कनैन बहुत मुश्किल से हाथों में आते हैं, हाथ लगता है, ठीक है। आज मैं बकरा बनूंगा ना, बलि का बकरा है ना। हाँ बलि का बकरा ऑयल लगा देंगे। लेकिन जुल्कनैन मैं आपको बताती चलूं कि हमारे पास जो आज की ऑर्गेनिक सॉल्यूशन है, ठीक है, इसका हमारे पास एक हेयर टॉनिक है और हमारे पास है एक हेयर सीरम। अच्छा इसका ये फायदा है कि जो हेयर टॉनिक के अंदर अगर हम हेयर सीरम के अगर हम दो ड्रॉप यूज करें, ठीक है, तो ये हमारे बालों को बहुत ज्यादा फायदा दे सकता है। हाँ मतलब इससे हेयर फॉल रुक सकता है, आपका डैंड्रफ कम हो सकता है और आप गंजे होने से बच सकते हो और बालों को स्ट्रॉन्ग करता है और मतलब बालों की ग्रोथ करता है। अगर बाल आपके टूट चुके हैं, बेकार हो चुके हैं, उसको रिपेयर करता है। क्योंकि आप इसमें देख सकते हो कि मैं आपको ये दिखाऊं कि ज़ुल्कनैन इसमें 12 उन्होंने डाले हुए हैं, आंवला और पता नहीं क्या क्या डाला हुआ है, 12 चीज़ें। अच्छा आपको पता है मैं बहुत मुश्किल से इस ऑयल को बर्दाश्त कर रहा हूँ क्योंकि इसमें अनियन भी है और थोड़ी थोड़ी स्मेल भी आती है। लेकिन वैसे अनियन से इतना मसला है, हालांकि ये मुझे इतना मतलब बड़ा प्यार करता है, नो डाउट। लेकिन जब मैं कभी अनियन काट के ज़ुल्कनैन के पास आ जाऊं, हाथ दूर 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 पास जाना, फिर ये हाथ धोती है, फिर बहुत और खुशबू लगाती है, मतलब जब अनियन की स्मेल बिल्कुल चले जाती है, फिर मैं कहता हूँ हाँ ओके इट्स ओके, अब आ जाओ आप मेरे पास आगे। ओके तो खैर अभी हम ऑयलिंग कर रहे हैं और इसके बाद का स्केड्यूल भी बहुत लंबा है। इसके बाद का स्केड्यूल ये है कि अभी हमने जाना है शॉपिंग के लिए, जैसे कि मैंने बताया कि और आज हमारी 2 दिन के लिए जुदाई है। आज वैसे भी आज कमल ने वापस भी जाना है लाहौर, पहले हम इस्लामाबाद गए थे ना, उसके बाद हम मैं इसे अभी से मिस कर रही हूं, सुबह आए अभी से मिस कर रही हूं। हाँ आज चले जाना है ना तुमने, तुम तो नहीं कह रहे ना मिस, तुमने कहा नहीं इससे दोबारा फिर से परसों आ जाना है यार। तो फिर यार तुम एक दिन के लिए मुझे मिस नहीं करोगे? अच्छा एक दिन के लिए मिस करते हुए ब्लॉग बनाऊंगा, ठीक है। और आया
ससुर जी, गर्मी में बाहर नहीं जाना चाहिए, लोगों से हाथ नहीं मिलाना चाहिए, कोरोना से बचना चाहिए। आपको जाने से पहले हम दोबारा से बता दें, जाने से पहले ये कि हम रेडी होने लगे हैं, तो उसके जाने से पहले आपको बता दें कि हमारे पास है आईक्यू ऑर्गेनिक सॉल्यूशन का हेयर टॉनिक और साथ ही साथ हमारे पास है सीरम। अब इसको इस्तेमाल किस तरह करना है कि आपने जितना भी हेयर टॉनिक डालना है अपने हथेली में डालें, उसके अंदर 2 ड्रॉप आप डाल दें हेयर सीरम के, डाल के उसको मिक्स करके आप अपने बालों में लगाएं, अच्छी तरह उसको ऐसे मसाज करें, देखें जुलकर इनके सारे बालों में लग चुके आपके, बर्फबारी खत्म हो जाएगी आपके, ये हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा, और इसमें सारी ऑर्गेनिक चीजें हैं, इसमें अनियन है, अनियन आपको पता है कि बहुत ही अच्छा होता है, इसके अलावा और भी काफी कुछ है, हो गया हो गया। हम लोग हैं रेडी और कमल भी है रेडी, अभी अम्मी का एक सूट एक्सचेंज करवाना है, उसके लिए कॉल से बातचीत हो रही है और गाड़ी रेडी है। दूसरे मूसा मन साहब अपना वो ताला खोल रहे हैं, फिर हम गाड़ी निकालेंगे और निकलेंगे। कवल 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 प्लीज ज्वाइन मी, सो आर यू एक्साइटेड फॉर योर फर्स्ट ईद गिफ्ट? यस शी, मैं भी दूंगा ना, मैं अलग से दूंगा, अभी तो घर वालों का है। खैर मूसा खोल दिया दरवाजा, चले ओके आ जाओ, फिर आ जाओ। हमेशा की तरह जवाद भाई मेरी जगह लेते हुए आगे बैठ गए, और क्या करूं जवाद भाई, आपको कभी मेरे पे तरस नहीं आया, नहीं। आप मेरी जगह ले लेते हैं, नहीं नहीं कोई तरस नहीं, कोई तरस नहीं, कोई माफी नहीं, कोई माफी नहीं, कोई माफी नहीं, माफी मुश्किल हो, मुश्किल हो, ओके ओके। तो अभी हम किधर जा रहे हैं? अंता बड़े हूं, बड़े हूं, हां अंता बड़े हूं, इसीलिए आगे बह हूं, बह हूं, बड़े होने का फायदा है वैसे, बड़ा बहुत फायदा है, बड़े होने का बड़ा फायदा है, बड़ा तो पहले ही आ जाता है। हाँ सीट बेल्ट पहन लेनी चाहिए, पहन लेनी चाहिए। जवाद भाई अभी जुल्कनैन को नसीहत कर रहे थे कि अपनी चीजें लिया करो, लोगों की चीजें मत लिया करो। दानी तू तो खुश होएगा। हाँ दानियाल तो खुश होगा, दानियाल और सलमान की जायदाद आधी इधर है जुल्कनैन के पास। ब्लॉगिंग के मुतल्लिक सारी जायदाद उनकी मेरे पास है। अभी तो हम आ चुके हैं गुजरांवाला और गुजरात से तो कुछ भी नहीं पसंद आया। कवल क्या बात है यार, इसमें क्या मसला, तुम्हें गुजरात से क्यों नहीं कोई चीज पसंद आई? नहीं मुझे गुजरात पसंद आया, लेकिन गुजरात से कोई चीज पसंद। अच्छा अच्छा अच्छा, इसका मतलब तुम्हें, चले ठीक है, खैर गुजरांवाला से कुछ देखते हैं कि क्या पसंद आता है, कौन से कपड़े पसंद आते हैं। हमारे साथ जवाद भाई भी हैं, प्रधानमंत्री साहब, और पीछे इब्राद लोग भी हमारे साथ ही आ गए हैं गुजरांवाला के, चले हम भी देखते हैं कुछ ना कुछ। और खैर लाइट ज्यादा अच्छी ऐसे आती है ना कि वैसे अच्छी आती है, और अभी देखते हैं अभी कपड़े कौन से पसंद आते हैं, फिर वो लेते हैं। हम लोग तो आ चुके हैं गुजरांवाला और ये मूसा भी साथ है, बंदर है पूरा, और शेख साहब हेलो और शेख साहब आ रहा है, आ जाओ यार देख ले, कुछ चीजें देख ले, वो निकाल लेते। ये नहीं, वो नीचे वाला कलर ज्यादा अच्छा, ये वाला हाँ और भी है तो वो भी देख लो ना। कमल बहुत ज़्यादा पूरी दुकान को इसने धर्म भरम करके रख दिया है और इसको अभी तक कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही, परेशान हो गई मैं बहुत ज़्यादा। हाँ चीज़ें नहीं पसंद आ रही। शेख तुम्हारा कोई प्लान है किसी को ईद देने का? हाँ यार नहीं है, मैं सोच रहा लेके मैं अपने आप में दे रहा हूँ। साइज ही नहीं मिल रही। अच्छा जो 100-150 देखने के बाद एक पसंद आता है तो उसमें साइज नहीं मिलता, और हम लोग तो बस पीछे पीछे चलते जा रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी यहाँ कभी वहाँ। कौन सा हेल्प करा दो? ये वाला देख लो यार, ये वाला
नहीं यार बहुत अच्छा कलर है ये। हाँ तो जुल्कन है, आप कवारे लोगों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? कवारे लोगों को ये एडवाइस करूँगा कि भाई आप अपनी वाइफ को वहाँ लेके जाया करना जहाँ पे ड्रेसेस थोड़े कम हो। हाँ क्योंकि इतने ज़्यादा ड्रेसेस में कोई चीज़ पसंद नहीं आती, क्योंकि मैं भी खजल हो रहे हैं यार, 50 ड्रेस भेज लेने। सही, मैं भाई एग्री करता हूँ तुम्हारी बात, ज़्यादा होती है वहाँ, बहुत टाइम लगता है। चलो यार तुम लोग शॉपिंग करो, ठीक है, मैं भी ज़रा अपनी GF के लिए शॉपिंग करूँ। तुम्हारी तो कोई GF ही नहीं है। यार क्यों याद करवा दिया, दिल की तसल्ली तो हो सकती थी। टाटा। और शुक्र है सी दुकानों बाहर निकले। शॉपिंग हमने कर ली है और अभी कवर लोग जाने लगे हैं लाहौर, हम लोग जाने लगे हैं वापस गुजरात, और अभी रुकसती का टाइम है। सारा साजो सामान मैं रखूंगा अपनी गाड़ी में क्योंकि फिर बाद में ईद में लेके जाएंगे और घर वालों के साथ ही जाना होगा ना। अभी तो हमने शॉपिंग की है तो अभी इफ्तारी में भी थोड़ा ही टाइम रह गया, अभी रास्ते में इफ्तारी होगी शायद या फिर घर जाके होगी, कमल की भी शायद रास्ते में हो या फिर घर जाके, कोई पता नहीं है। ट्रैफिक ना हुई तो जल्दी पहुंच जाएंगे, ट्रैफिक हुई तो फिर इफ्तारी रास्ते में। ओके भाई यार, रोड क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल और बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, हम लोग क्रॉस कर रहे हैं और नीचे वाला ठोकने के चक्कर में। मेरे नाना, मैं जानी तुझे बचाऊंगा मैं। हाँ ये मुझे बचाएगा, ये मेरा बॉडी गार्ड है। केड़ा गार्ड? बॉडी गार्ड साबन। खैर अभी हम जा रहे हैं वापस गुजरात और कमल लोग निकल चुके हैं, हम लोग बैठ चुके हैं वापस गाड़ी में और अभी जाएंगे गुजरात, और शेख साहब साथ हैं, इब्रार साहब भी साथ हैं, इब्रार का दोस्त भी पिछड़ गया, मूसा मंज वो भी चले गए, कवल भी चले गए, रोने लग गए थे। जुदाई तेरी जुदाई मैं बन गया नाई। ये वाकई नाई बन गया जुदाई में। खैर अभी इफ्तारी में भी तकरीबन एक घंटा मतलब बाकी है, शायद वो लोग तो रास्ते में इफ्तारी करेंगे लेकिन हम लोग घर पहुंच भी सकते हैं, नहीं भी पहुंच सकते, खैर देखते हैं। शेख करेगा एक्टिंग अब आपके सामने, और मैं नहीं करनी है, मैंने कोई और काम है, इसको बंदा बुंदा मारना है, 10 बजे काम नहीं मेरे को। चल इसको मार दे। नहीं ओ भाई ये तू रात में ना गेम लानी है, मैं तेरा बंदा मार देना। मैं भाई कहना मैं तो बेवा हो गई। यार सो यार, चल एक्टिंग कर शेख, तुम्हें मैं कुछ दे दूं। नहीं नहीं यार, था ना ए एक कातिया कातिया, एक मिनट में रोल कैमरा एक्शन। ए कातिया चीट डालूंगा, फाड़ डालूंगा, उठा उठा के पटकूंगा, पटक पटक के उठा के मारूंगा, मुंह चबाड़ दे तुम्हें। ऐसा कौन सा चल रहा है यार तुम्हारा बंदे का, ये होता है। चल एक सोलो हो रहा है ना तुम्हारा, ठीक है दोबारा से लेते हैं, तूने वही बोलना है, एक कातिया एक कातिया, रुक जाओ, रोल कैमरा एक्शन। ए कातिया चीट डालूंगा, फाड़ डालूंगा, अगर मुन्ना कुछ हुआ, ये फलादी हाथ हैं, लोहे को पिघला के उसका आकार बदल देते हैं, कालिया वो कातिया। और तू क्या चाहता है, मैं तेरे यहाँ शेर बन के रहूं, तू बोले तो वाउंग करूं, तू बोले तो काटूं। ना 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 ना, अपन टाइगर है तुमने तो भाई कुत्ता नहीं बोल सकता ना, मतलब नहीं उसने बोला मैं कुत्ता, लेकिन अपन कुत्ता नहीं बनेगा, मुझे पता है मैंने कुत्ता बोला, तुम लोग बोलोगे वाह यार क्या क्या एक्टिंग कर रहे हैं, क्या एक्टर है क्या है, ये तो नेचुरल बन गया भाई, नेचुरल कुत्ता बन गया है। लेकिन टाइगर अपन टाइगर है, क्या नेचुरल एक्टिंग कर रहा है कुत्ते की। टाइगर पता नहीं ना यार की बताओ भाई। हाँ यार हमें क्या बताओ भाई, ये भी है हमारे भाई साहब, ये फोन पे मसरूफ है, चैट कर रहे हैं नाली नाली ब्रा रहे करके ना, मैं यार कूल बॉय, ओ माय गॉड कूल बॉय, रात को भी छत पे कोई 3 घंटे वॉक ही करते रहे, पता नहीं क्या है यार, बाद में पता लगा उतने मंजा डाल के सोते हैं। मैं अभी वॉक कर गया, इतना गंदा कैमरा आ रहा है, दूसरा उसको मुंह में, दूसरा उसके मुंह में भाई। ये तुझे बताऊं, ये हुसैन, ये दुनिया भी चीजें हैं दुल्कन, देख तू गाने सुन रहा है, नहीं लगा टीका तू कर लगवाया था, फिर भी है ये खत्म करने लगा। और आगे सेठ साहब ड्राइविंग कर रहे हैं हमारे साथ, डैडी भी
और ये हम लोग बन गया। मैं गल करा जी, सियाने कहते हैं हर चमकती चीज सोना नहीं होती, हर साबुन सोना नहीं होता, हर फुटबॉलर मेरा डोना नहीं होता और हर दिल खिलौना नहीं होता। लोगों के दिलों से खेलना बंद करें, मैं जो खेलते हैं उनको कहना चाहूंगा ते हंसते रहो बसते रहो बस ठीक है हंसते रहो। नहीं नहीं यार माड़ी जी लैंदे पा लैंदे चलो मार अपना ख्याल रखियो। बाय बाय, टेक केयर। एंड मेरा चैनल विजिट जरूर करियो। या इसका चैनल जरूर विजिट करें। एंड मेरे चैनल सब्सक्राइब किया है अभी।